हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। यह आपकी वर्कशीट 5 in 1, जिसके आपको वर्कशीट नंबर 1 एंड वर्कशीट नंबर 2 सारे सब्जेक्ट के करा चुकी हूँ। और आज बारी है वर्कशीट नंबर 3। फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इंग्लिश की वर्कशीट से। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट आपको हेडिंग दिख रही होगी, राइट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग नाउन वर्ड्स। यानी जो भी नाउन वर्ड्स होते हैं, जितने भी नाउन्स होते हैं, उनके एक तो होते हैं सिंगुलर, यानी सिंगुलर मीन्स होता है वन, कोई भी चीज़ वन हो तो सिंगुलर, वन से ज़्यादा हो यानी वन प्लस तो होती है प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर इज ज़ीरो, प्लूरल इज ज़ीरोज, इको इकोज, थीव थीव्स, किलो किलोज, फुट फिट, पियानो पियानोज। फिर इस यहाँ पे देखिए, कार्गोज, फोटो का फोटोज, नेग्रो का नेग्रोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, पोटेटो का पोटेटोज, टोमेटो का टोमेटोज। फिर है फोकस का फोकसेस, रेडियस का रेडियसेस, फार्मूला का फार्मूलाज, बेसिस का बेसिस, डेटम का डेटा, एक्सेस का एक्सेस, फिश का फिशेस, ऑक्स का ऑक्सन, फर्नीचर का फर्नीचर, यानी फर्नीचर का सेम रहेगा वो का वो, गूज का गीज, शेल्फ का शेल्व्स और चीफ का चीफ्स। तो ये सारे के सारे आपको जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, आपको इसको देख के अपने वाली जो वर्कशीट है उसके अंदर फिल करने हैं। ओके, उसके बाद देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग नाउन वर्ड्स। यानी आपको जो नाउन वर्ड्स दिख रहे हैं, इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट है मैन। मैन को देख के मैंने देखो यहाँ पे क्या बनाया है, अ मैन कैन डू एवरीथिंग विद पॉजिटिव। यानी पॉजिटिविटी यहाँ एक्चुअली होना चाहिए था, तो ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिविटी है, VITY। तो अ मैन कैन डू एवरीथिंग विद पॉजिटिविटी। फिर है मैन, यानी एक से ज़्यादा मैन प्लूरल हैं, तो मैन आर गोइंग टू टेम्पल टूडे। यहाँ अ मैन था फर्स्ट में क्योंकि सिंगुलर था, सेकंड में था मैन आर यानी कि प्लूरल हैं। डिश, आई मेड अ स्वीट डिश फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक स्वीट डिश बनाई। डिशेज, वी आर टेकिंग अवर फेवरेट डिशेज। फॉक्स, देयर इज अ फॉक्स। फॉक्सेज, अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेज इज कॉल्ड अ स्कल्क ऑफ लेश। फिर है फैमिली, आई लव माई फैमिली। फैमिलीज, अवर फैमिलीज हैव गुड बॉन्ड। रे, यू आर द फर्स्ट रे ऑफ सनशाइन। रेज, रेज ऑफ सनशाइन आउटलाइन फॉर यू माई ऑल मेमोरी। ओके, तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 3, जो आपको भी अपनी वर्कशीट में फिल करनी है पूरे ध्यान से, और फिर उसको लर्न करने की कोशिश भी करनी है। ओके, थैंक यू।